जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर निशन चैनल से और हमारा जो चैनल है वो बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा पर काम करता है, जिसमें तथागत बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले, छत्रपति साहू महाराज, शाजीराव गायकवाड़, रविदास, कबीरदास, बिरसा मुंडा और आप देखेंगे बहुजन के मुद्दे। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंबेडकर नेशन पे और मैं हूँ आपके साथ वैशाली प्रसाद और मेरे साथ मौजूद है गौतम रत्ना जी, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक लड़की का 3 महीने से लगातार रेप होता रहा है। देखिए वैशाली जी, मतलब मैं इन चीजों से इतना दुखी होता हूँ कि देश के आजादी के 70 साल हो गए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान के अंदर महिलाओं को खासतौर से बराबरी का अधिकार और जो कुवर सूचना को अधिकार दिया, तो ये इसके पीछे जो तो मानसिकता है महिला के प्रति हमारे देश के अंदर आज भी, या वो दबंग है या वो पैसे वाला आदमी है, इवन देन की अपने घर में भी देखें आप तो आज भी महिला इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले सकती। कई ऐसे कल्चर्स हैं जिस पर बात करना मैं समझता हूँ जरूरी है और जिस तरह का ये वीडियो मैंने भी देखा है, अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, इस तरह की चीजों से अब लोग थोड़ा सा अवेयर भी हो रहे हैं, पढ़ने लिखने लगे हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, ऐसे बहुत सारे, टिकटॉक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। तो अब इसमें ये तो हम 100% नहीं कह सकते हैं कि भाई इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है, बट अगर ये सच है तो ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जो लड़की एक टाइम महिला बनती है और आदमी को जन्म देती है और उस आदमी की मानसिकता अगर इस तरह की है कि 3 महीने लड़की को एक बंद कमरे और बारी बारी से, कि एक बार बाप जाता है बाप रेप करता है, फिर दूसरे में बेटा जाता है रेप करता है, उसको एक उसको ड्रग का इंजेक्शन देकर के उसको ड्रगिस्ट बना दिया जाता है, उसको नशे की आदत डाल दी जाती है कि ताकि वो बाहर जाकर के अपना बयान भी ना दे पाए, क्योंकि जब इस तरह के ड्रग जो लेना शुरू कर देते हैं तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ड्रग में ही जीता है, उसको ड्रग नहीं मिलेगा तो वो पागलों जैसी एक्टिविटी या उसके हाथ पैरों में दर्द होगा, इस तरह की एक्टिविटी करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है, और मैं समझता हूँ जहाँ की ये घटना है, शायद ये MP की घटना लग रही है बातचीत से इनके बता रहे हैं, तो वहाँ जो भी सरकार है MP या राजस्थान का लग रहा है उनकी बातचीत से, तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर सोशल अपडेट है तो ऐसा नहीं है कि वो उस सरकार तक नहीं पहुंचती है, सोशल अपडेट उस पुलिस प्रशासन, वहां के प्रशासन और सरकार तक भी पहुंच ही जाता है, तो अगर ये गलत है तो उसको इंक्वायरी उसको वहां के पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। अगर ये सही है, क्योंकि उसके खुद फादर उसके स्टेटमेंट दे रहे हैं और लड़की वहां तड़प रही है, तो पुलिस प्रशासन को जो नाम के साथ वो बता रहे हैं उन लोगों को अरेस्ट करके, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को फांसी दिलाने तक पुलिस को काम करना चाहिए, उसके साक्ष्य उसके जुटाने चाहिए जहां पर उसको बंद रखा गया, और लड़की का इलाज कराना चाहिए पहले ताकि वो अपनी स्टेटमेंट खुद से भी दे पाए, मैं ऐसा समझता हूँ। तो आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो स्थिति है वो वैशाली जी, हमारे देश में कहीं भी अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जो लोग शहरों में आ गए एक तरीके से, वो भी बड़े शहरों, छोटे शहरों में नहीं है, बड़े शहरों में जो लोग रह लगे हैं या थोड़ा जो पढ़ गए हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा, और वो महिलाओं को सम्मान कह लीजिए या बराबरी
का अधिकार जो उनको मिला है उस पर थोड़ा सा वो सोचने लगे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हो सकता है आपके साथ भी आने वाले टाइम में, जैसे आपकी शादी महिला तो आप अभी वैशाली प्रसाद और आपको मिल गए कोई, आपके हस्बैंड का नाम है अगर वो मान लीजिए कुछ भी एक्स वाई जेड, या रमेश ठाकुर है या रमेश सिंह है, तो आपको वैशाली प्रसाद के साथ सिंह लगाना पड़ता है। तो ये भी एक गलत परंपरा है, इसको संस्कृति के नाम पर जो धोया जाता है या संस्कृति कहा जाता है, तो वो संस्कृति नहीं है, वो एक मानसिक गुलामी है। वो उस आदमी की वो मानसिक गुलामी है कि औरत शादी होकर के आए तो वो उसके पीछे हमारा सरनेम आदमी का लगना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। क्यों ना वो बराबरी, ये क्यों नहीं हो सकता कि वैशाली अगर वहां शादी होके गई है तो वो जो सामने वाले के साथ शादी है वो प्रसाद लगाए अपने पीछे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हायर एजुकेशन ले चुके हैं उनमें बदलाव आया है कि वो दोनों नाम को कंसीडर करते हैं। लेकिन वो क्वांटिटी मतलब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0.001% मुश्किल से पूरे देश में होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो मानसिकता है इसको हमारे समाज के लोगों को, खासतौर से पुरुषों को महिला के प्रति सम्मान के रूप में देखना और ये उनको जो मानसिकता इस तरह की है गंदी जो सोच है उसको बदलना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम सुनते आ रहे अभी तक की मीडिया की नजर जो है हर जगह होती है, चारों तरफ मीडिया की, सरकार की जो नजरें हर चारों तरफ होती है, हमेशा यूट्यूब पे टीवी पे एंटरटेनिंग चैनल पे देखते हैं कि जो खबरें देखने लायक भी नहीं होती, चाहे किसी बॉलीवुड स्टार की हो, वो खबरें लीक हो जाती है, वायरल हो जाती है, उसको इतना प्रमोट कर देते हैं। तो मीडिया अगर कहती है कि उसकी नजर अगर चारों तरफ है तो जहां होनी चाहिए, जहां पे अपराध हो रहे हैं, तो वहां मीडिया की नजर क्यों नहीं जाती है? देखिए ये मैंने पहले भी बताया आपको, अब ये सोशल माध्यम पे अभी हमारे इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, तो सोशल माध्यम पे तो लोग जैसे जिस आपके साथ कुछ घटना घटी, मेरे साथ घटी, तो मैं उसको उठा करके मोबाइल से वीडियो शूट करके सोशल माध्यम पर देखता हूँ। अगर हम यही बात चैनल वाले से बात करें, क्योंकि वो चैनल और मीडिया जो है, वो भी मीडिया, वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, सरकार जो चाहती है वो लिखता है, वो दिखाता है। तो इसीलिए इस तरह के जो जब वो बहुत इतना बड़ा वायरल हो जाता है सोशल माध्यम पर, बहुत सारे आपने देखे होंगे, चाहे वो जामिया वाले अटैक का मामला हो, जब वो सोशल वायरल हो जाता है तब जाकर के वो कोई चैनल उसको दिखाने की हिम्मत जुटा पाता है कि अब तो कई करोड़ों लोग, कई लाख लोग सोशल माध्यम पर सवाल उठ गया, सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म पर सवाल उठ रहा है, तब जाकर के वो सवाल को उठाने की हिम्मत जुटा पा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं के साथ बर्ताव होता आ रहा है और लोग इतने अंतर भेदभाव कर रहे हैं, चाहे वो जाति हो या लड़के लड़कियों में अंतर हो, वो काफी पुराने सालों से चलता हुआ रहा है, जो परंपरा लोगों ने अभी तक लागू की हुई है, ये शायद अब सब लोगों को बंद कर देनी चाहिए। अगर हमारा भारत, हमारे भारतीय लोग इतना अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, तो उनका वो वेल एजुकेशन आखिर कहाँ गया? वो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर लड़का लड़की में अंतर करना अभी तक नहीं भूलते हैं। तो फिलहाल इस खबर में, इस शो में इतना ही। और भी खबरों के लिए, और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए अम्बेडकर नेशन, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो। नरेंद्र मोदी जी, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं विकलांग हूँ। मैं गांव जिगरिया तहसील पचपाड़ थाना भवानी मंडी का रहने वाला हूँ और मेरे बच्ची के साथ ये ड्रग्स, ये मेरी बच्ची को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाता था अर्जुन सिंह, और अर्जुन सिंह ने मेरी बच्ची को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा के 3 महीने तक उसके घर कैद में रखी, उसके कमरे में कैद रखी और ड्रग्स का इंजेक्शन लगा के मेरी बच्ची के साथ अर्जुन सिंह ने और अर्जुन सिंह के बेटे ने, दोनों बेटे के पास चाबी थी, एक ही कमरे में मेरी बच्ची को बंद कर रखी थी और एक ही कमरे में बंद कर रखी थी और दोनों भाई बेटे के पास चाबी थी। बाप आता तो बाप रेप करता, बेटा आता तो बेटा रेप करता, और बाप ने मेरी बच्ची को आता तो रेप का
इंजेक्शन लगाता मेरी बच्ची को, ड्रग्स का इंजेक्शन मेरी बच्ची को लगाता, और वो भी आपको खाता इतना, और वो भी आपको खा के, और वो सुमगलर है सर, देश का बड़ा भारी सुमगलर आदमी है अर्जुन सिंह तस्कर। उस तस्कर ने मेरी बच्ची को 3 महीने तक बरखेड़ी और करोड़ रोड पर उसका कुआ है वहां पर मेरी बच्ची को कमरे में बंद करके दोनों बाप बेटे ने 3 महीने तक रेप किया, और रेप करना और सुबह शाम को ताला लगा के जाता तो शाम को खोलता और सूखे टुकड़े देता रोटी के, और सब्जी चाय पानी कुछ नहीं देता, और रोटी के सुबह टुकड़े लाग देता और शाम को अफीम खा के, और फिर डोटे को इंजेक्शन मेरी बच्ची को लगा के, और उसके साथ रेप करता सर अर्जुन सिंह, गांव बरखेरी वाला अर्जुन सिंह। और मेरी बच्ची का ये हाल है सर। नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के भारत के, इस भारत में ऐसा होगा तो मैं विकलांग हूँ, इसकी माँ विकलांग है और मैं विकलांग हूँ। अम्बेडकर निशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।